खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ही एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हमारे मुआशरे का ये आलमिया है कि गलती अगर मर्द की हो तब भी नसीहत औरत को ही की जाती है। हर सोच या तो खूबसूरत फूल है या फिर बेकार जड़ी बूटी। आपकी मर्जी है कि आप क्या उगाते हैं। आप मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए बढ़ा दें तो वो आपको मायूस नहीं करेगा। ये वस्फ सिर्फ अशरफुल मखलूकात को हासिल है कि किसी की दिल से दी हुई मोहब्बत को भी मिट्टी में मिला देता है। जिंदगी से चले जाते हैं लोग, फिर यादों और ख्वाबों में क्यों रह जाते हैं। मोहब्बत कभी नहीं मरती, ये दिलों की ताकत हमेशा रहेगी। चाहे आप बूढ़े हो चुके हों, ये फिर भी मोहब्बत ही रहेगी। जिंदगी की सख्तियों के दरमियान हर वो लम्हा हंसी है जिसमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिले। एक हकीकत यह है कि लोग अब मोहब्बत नहीं मोहब्बतें करने लगे हैं। दो ऐसी बातें जो किसी अच्छी बीवी में कभी नहीं हो सकती। नंबर एक, जो अपने शोहर की खूबियों को नजरअंदाज करे और उसके ऐब और कामों को ढूंढती रहे और हमेशा उसे एक बुरा मर्द साबित करने में लगी हो। ऐसी औरत खुद को तो तकलीफ में जरूर डालती है मगर अपने साथ साथ जुड़े कई और रिश्तों की जिंदगी को भी जहन्नुम बना देती है। नंबर दो, ऐसी औरत जो अपने शोहर से उसकी आमदनी से ज्यादा खर्चे का मुतालबा करे और जो कुछ उसका शोहर उसे दे रहा हो हमेशा उसकी नाशुकरी करे। औरत को डर हर मर्द से लगता है सिवाय इसके जो उसे पसंद आ जाए, फिर चाहे वो शराबी ही क्यों ना हो। अगर औरत को रोने के लिए कांधा मुयस्सर ना हो तो वो मजबूत हो जाती है, मोहताज नहीं रहती। एक बार उसे दलासा ना दो तो वो अगली बार आपके सामने बिखरा वजूद लेकर नहीं आएगी।